जसवंत सिंह गिल, द रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इन माइनर्स को बचाने के लिए। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज ने बड़ी बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी और अक्षय कुमार ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में सिनेमा को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और बूढ़ा बच्चा जवान हर कोई फिल्मों का फैन है हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, नेशनल सिनेमा डे जो कि था 13 अक्टूबर को, जो कि एक तरह से बॉलीवुड फिल्मों का त्यौहार कह सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल सिनेमा डे के मौके पर हिंदुस्तान के मल्टीप्लेक्सेस में फिल्मों के जो टिकट रेट से वो हो चुके थे सिर्फ 99 रुपीज, यानी कि 99 रुपए, जिसके चलते दोस्तों यहां पर सिनेमा घरों में हमें भारी भीड़ देखने को मिली और जो लोगों ने कई सालों से भी फिल्में नहीं देखी थी वो भी नेशनल सिनेमा डे के दिन सिनेमा घर गए और बड़ी बड़ी फिल्मों को देखा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त बॉलीवुड की ढेर सारी फिल्में सिनेमा घरों में चल रही है, लेकिन इन सभी फिल्मों में से अगर किसी फिल्म को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा तो वो थी अक्षय कुमार के मिशन रानीगंज। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त शाहरुख खान के जवान भी चल रही है, फुकरे 3 भी चल रही है और अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज भी। लेकिन अगर बात करें कि यहां पर 13 अक्टूबर यानी कि नेशनल सिनेमा डे के मौके पर पब्लिक ने सबसे ज्यादा किस फिल्म को देखा, तो दोस्तों यहां पर नेशनल सिनेमा डे के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज को सबसे ज्यादा ऑडियंस ने देखा और 13 अक्टूबर यानी कि नेशनल सिनेमा डे के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज ने बाजी मार ली। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को रिलीज हुए तो आज 9 दिन हो चुके हैं और जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से ही हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है, क्योंकि सच में मिशन रानीगंज 2023 की अब तक की बेस्ट फिल्म है, जिस फिल्म में थ्रिल और रोमांच भरा हुआ है। फिल्म में अक्षय कुमार का काम जबरदस्त है, साथ ही साथ फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट भी काफी दमदार है और दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर तीनु देसाई ने फिल्म को इतना जबरदस्त बनाया है कि लगभग 2.5 घंटे तक आपको जो एंटरटेनमेंट है वो भरपूर मिलता है। दोस्तों अच्छी फिल्म होने की वजह से लोगों ने फिल्म को फुल सपोर्ट दिखाया और फिल्म ने अपने 8वें दिन यानी कि नेशनल सिनेमा डे के मौके पर इतनी टिकटें बेची है जितनी टिकटें तो बॉलीवुड की किसी भी फिल्म ने अपने 8वें दिन कभी नहीं बेची। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म वाकई में काफी लाजवाब है और इस फिल्म की तारीफें हर कोई कर रहा है और इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में फैमिली के साथ जो लोग गए सब ने फिल्म को जमकर सराहा और कहा कि ये अक्षय कुमार के करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म है। और दोस्तों वाकई में फिल्म इतनी जबरदस्त है कि यहां पर फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने इस फिल्म की कॉपी ऑस्कर के लिए भेजी और कहीं ना कहीं फिल्म को ऑस्कर के लिए सेलेक्ट किया गया है, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज इस साल की तो बेस्ट फिल्म है, साथ ही साथ फिल्म ऑस्कर के लिए भी गई है, तो ये भी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो अगर आपने भी अभी तक अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज नहीं देखी तो नजदीकी सिनेमाघर में जाओ और देखो फिल्म मिशन रानीगंज। यकीन मानिए फिल्म काफी जबरदस्त है और आपको ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। आपको बता दें दोस्तों यहां पर मिशन रानीगंज ने नेशनल सिनेमा डे के मौके पर यानी कि फ्राइडे को इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 4,35,00,000 रुपए का किया। वही दोस्तों आज सैटरडे होने की वजह से और पब्लिक के अच्छे रिव्यूज मिलने की वजह से मिशन रानीगंज आज भी इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 3 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ अक्षय कुमार के मिशन रानीगंज का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 27 करोड़ का हो चुका है। तो 9 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो 37 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। अब इस हफ्ते बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई और यहां पर मिशन रानीगंज को पब्लिक का भरपूर प्यार मिल रहा है, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते भी मिशन रानीगंज सिनेमा घरों को फिर से हाउसफुल करेगी और फिल्म दूसरे हफ्ते में भी एक जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है। यानी कि दोस्तों अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज अभी रुकेगी नहीं और आने वाले कई हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलेगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाइनल कलेक्शन एक दमदार करने वाली है। वैसे दोस्तों अगर आपने मिशन रानीगंज फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।